हेलो, स्वागत है आपका मेरे किचन में। अक्सर हमारे घर रोटियां बच जाती हैं, तो इन रोटियों से भी इंस्टेंट और टेस्टी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये कुछ बची हुई रोटियां हैं जिसको हमने सीजर से कुछ ऐसे कट कर लिया है। बच्चे मार्केट का नूडल्स खाते हैं, इससे अच्छा है कि घर पे ही हेल्दी और टेस्टी नूडल बनाएं। इसके लिए कढ़ाई में ऑयल डालें, हाफ स्पून राई, हाफ स्पून जीरा, अदरक, मिर्च और लहसुन ऐड करें। इनसे चटकने की आवाज़ आने लगे तो एक टमाटर कट करके ऐड कर दें, क्योंकि इससे पानी रिलीज़ होता है थोड़ा। और 1 स्पून सॉल्ट डाल के थोड़ी देर के लिए कुक करें, जिससे कि इसका पानी सूख जाए। अब एक प्याज और एक शिमला मिर्च कट करके डालें। इसको हाई फ्लेम पे टॉस करते रहें, जिससे कि इसका क्रंच बना रहे। अब यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ टोमेटो केचप ऐड करेंगे, अगर आपके पास चिली सॉस हो तो वो भी ऐड कर दें, बच्चों को अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो। हाफ स्पून कोई सब्जी मसाला या चिकन मसाला ऐड करें, हाफ स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दें। इन सबको हाई फ्लेम पे ही टॉस करते रहें। अब यहाँ कट की हुई रोटियों को ऐड कर दें, इनको बढ़िया से चलाते हुए मिक्स कर दें। अब इसमें थोड़ा मैगी मसाला डालकर मिक्स कर दें। एक बार आप ऐसे ट्राई करके देखिए, बड़े तो क्या बच्चे भी मार्केट का खाना भूल जाएंगे। धनिया पत्ती से गार्निश कर दें। अब ये हमारा घर पे हेल्दी एंड टेस्टी नूडल बनके तैयार है। आई एम श्योर बच्चे खा के बोलेंगे आई लव यू मम्मा। तो है ना, टेस्टी इन टेस्ट, इजी टू मेक। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। इंजॉय।